इंदौर के अरविंदो मेडिकल कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा 25 वर्षीय मौली सुपुत्री विश्वेश्वर राव ने परिषद के छात्रावास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। छात्रा के रूम से एक सुसाइड नोट भी मिला है, उसमें उसने लिखा है कि वह 5 साल से पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, आत्मविश्वास की कमी व आत्महत्या के विचार आने जैसी बीमारियों से परेशान थी, इस कारण से वह आत्महत्या कर रही है। वहीं बाणगंगा थाना पुलिस ने सुसाइड नोट की जांच के लिए भेजा है। पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार शाम करीबन 6:30 बजे की है। शाम को छात्रा के दोस्त दरवाजा खटखटाया तो नहीं खोला। छात्रों ने छात्रावास के सुपरवाइजर को सूचना दी, तुरंत कारपेंटर को बुलाकर दरवाजा खुलवाया तो मौली पंखे से लटकी हुई मिली। छात्रा के पिता नेशनल फ्रंटलाइन कंपनी में पुणे में कार्यरत हैं। सर्वजन को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एक अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक डेंटल की छात्रा ने फाइनल ईयर की कल फांसी लगा के आत्महत्या की है। छात्रा का नाम मौली पर्णा रॉय, पिता विश्वेश्वर रॉय, उम्र 25 साल है। ये गुना की रहने वाली थी। हमें प्रथम दृष्टया अभी फिलहाल जैसे हमारे मामला संज्ञान में आया तो हमने इसकी जांच प्रारंभ की। अभी फिलहाल हमें इतना पता लगा है कि मामला प्रथम दृष्टया सुसाइड का मालूम पड़ता है और छात्रा को जितना भी अभी पूछताछ में पता चला है कि छात्रा के पास में एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उसने दोषी उसकी बीमारी को बताया। उसे बाइपोलर डिजीज था और एंग्जाइटी इशूज थे और वो सीवियर डिप्रेशन की शिकार रह चुकी है। पहले भी उसे सुसाइडल थॉट्स आते थे और उस जैसा कि उसने उसके सुसाइड नोट में बताया है कि उसे बड़ा इससे समस्या आ रही थी, जो सुसाइडल थॉट्स और सुसाइडल टेंडेंसीज उसके अंदर जागृत हो रही थी जिसके चलते वो बड़ी परेशान रही थी। लॉकडाउन में भी वो बड़ी परेशान और इससे पीड़ित थी। जैसे तैसे उसने इससे रिकवर किया तो उसके लिए वो अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत बताती है कि उससे बड़ी मुश्किल से रिकवर हुई, पर अब उससे वो रिकवर कर पाना उसके लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए उसने ये स्टेप लिया।